गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग द टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, सारी वीडियोस, तीनों वीडियोस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की क्या रूल्स हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिटी कैसे करते हैं, सारा सब कुछ बता दिया मैंने। अब बात आती है कि अगर कुछ हमने सीखा है तो अगर उसकी समय रहते हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद वो नॉलेज हमारा बेकार होता जाएगा। रूल्स तभी आपको याद रहते हैं जब आप उसको प्रैक्टिस में लाते रहते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है बेटा, प्रैक्टिस। इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, वह स्कूल गया। देखिए सिंपल सा है क्या, वह स्कूल गया। सबसे पहले चीज़ क्या नोटिस कर रही है आपको कि इसका जो अंतिम वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है, हम क्या याद करते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, तो अंत में मतलब ये जो आखिरी में आया है शब्द, इस आखिरी शब्द में भी जो इसके आखिरी में जो वर्ड है, ठीक है, कि वाक्यों के अंत में, ये वाक्य हो गया पूरा, इसके अंत में ये जो वर्ड है तो इसके आखिरी में क्या आ रहा है, या। जैसे ही यह आया आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि जिन वाक्यों के अंत में मैंने क्या बताया था, या, यी, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, आदि शब्द आते तो क्या होता बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हमारे मन में तुरंत आया कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये कब होगा, जब हमें पहचान और उसके हेल्पिंग वर्ब याद होंगे तब हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो हमने देखा गया यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में है मतलब क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ओके, देन हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ही। देखिए क्या हो जाएगा, ही। देन आगे जाने की गो, सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल। ओके, गॉट इट, हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है। ये देखिए लास्ट में क्या आया, लिया है, तो जिन वाक्यों के अंत में बताइए क्या होगा, सोचिए जरा एक बार, इतनी देर में सोच लिया होगा। अब देखिए क्या है, या है, ये है, ये है, यानी कि लिया है, दिया है, किस में आता था, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हमने देखा यहाँ इंट्रोगेटिव है, जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो उसका प्रोफॉर्मा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देन यहाँ क्या आ जाएगा, तुमने है तो प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव। सब्जेक्ट यू, खाना खाने की, ईटन, क्या द फूड, और ये क्वेश्चन सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब और पहचान सबसे मस्ट है। थर्ड पे आते हैं, रमेश बाजार जा रहा है। हमने देखा रहा है, रही है, आया, जैसे ही आया हमारे मन में क्या आया, ये तो भाई कंटिन्यूअस है, कौन सा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये रहा है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इदमार प्लस आईएनजी, रमेश बाजार गया, रमेश इज गोइंग टू रमेश इज गोइंग टू मार्केट। ओके, फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं, सीता अपना पाठ याद कर चुकी है। हमने देखा चुकी है आया लास्ट में, दिया है, चुके हैं, किस में आता था, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर किसी को भी डाउट है, देखो जैसे ही मैं सेंटेंस पढ़ूँ आप अपने मन में सोचो कि हाँ ये होगा, फिर मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप सही कर लो उसको। तो क्या हो जाएगा, सीता हैज लगता है, यहाँ क्या लगेगा बेटा, हैज, सीता हैज, याद करने की लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, सीता हैज लर्न्ड अपना पार्ट, यानी कि अपने की क्या लगती है, हिज या हर, यहाँ सीता है जो हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर लर्न्ड हर लेसन। ओके, गॉट इट। तुम विद्यालय क्यों नहीं गए,
हमने लास्ट में देखा गए या ये क्या हो गया, तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, यू सॉरी हरी, ये गलती आपसे भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा जब भी क्वेश्चन मार्क वर्ड, देखो दो चीजें होती है बेटा, अगर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा वो पहले आता है सेंटेंस के जस्ट शुरुआत में आता है, उसका क्या रूल्स है कि हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देते हैं उसकी, ओके। लेकिन वही इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन मार्क जिसको क्यू एम डब्ल्यू बोलते हैं वो अगर मिडिल में आ गया सेंटेंस के बीच में, ठीक है, तो क्या हो जाता है इसकी स्पेलिंग यानी कि इसकी मीनिंग वर्ड पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा वाई। अब इसके बाद किधर जाएंगे, जैसे ये लिखा हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जाते हैं सीधा वाई लिव। अब आप सोचेंगे सर वहां था कहां गया, यहां गया था आपने सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ गए हैं आपने डिड लगा दिया, क्यों बेटा, क्योंकि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज होती थी जब आपका अफर्मेटिव हो सेंटेंस था, यहाँ क्या है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा, तो यहाँ इंट्रोगेटिव मिल गया हमें सीधा सा, तो व्हाई डिड यू नहीं आ गया, व्हाई डिड यू नॉट विद्यालय क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो बेटा ये सब चीजें जो हैं जो मैंने बताई है बहुत ही जरूरी है, समझ लो, आगे भी अभी एग्जाम्पल आएंगे आपको वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक बात तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है बेटा, पहचान और हेल्पिंग। हाँ बेटा, तो आगे 5 सेंटेंस हमारे हो गए प्रैक्टिस के लिए, आगे मैंने टोटल सेंटेंस कितने दिए थे 10। आगे 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर क्या है, पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, ठीक है, ये देखो। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटीज की आते हैं बेटा, चुके हैं, तो जैसे ही चुके हमने पढ़ा हमारे मन में क्या आया कि ये तो किसका है, सोचिए एक बार, हाँ मन में आपके आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जिसके मन में ये नहीं आया सब लोगों से रूल्स दोबारा देखने हैं, वो उसी मेरे जो चैनल है यूट्यूब पर उसी पर जाएं, उसको दोबारा देखें, उसको रोकें, वीडियो को पास कर दीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए बकायदा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि सर आपने तो वीडियो बनाया है हम उसके नोट्स कैसे बनाएंगे, आप वीडियो को रोक दीजिए, उसका स्क्रीन शॉट ले लो, बना लो, क्या दिक्कत है, या फिर आप रोक कर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पिताजी दफ्तर जा चुके हैं, तो हमने देखा क्या है चुके हैं यानी कि परफेक्ट हो गया, पिताजी यानी कि द फादर, फिर हैज हैव क्या आएगा बेटा, हैज जा चुके हैं गोन टू ऑफिस, यहां तक किसी को दिक्कत, शेर ने हिरन को खा डाला, तो वो क्या आ जाएगा, शेर ने हिरन को खा डाला। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या आया, अब आप सोचेंगे यहाँ पर ना तो या ही आया है, ना तो चुका है चुकी आया, ना रहा होगा रही ही आया है, यहाँ पर क्या आया डाला, अब जो डाला शब्द है उसमें ही आ निकल रहा है, यानी कि या ही ये आ ई यू ये क्या किस में आते हैं, पास्ट इंडिफरेंट में, तो क्या हो जाएगा शेर में यानी कि द लायन, द लायन, अब हिरन को खा डाला यानी कि खा डालने का मतलब क्या है, मार डाला उसको, मार के ही तो खाएगा, यहाँ पर हम मार डाला कहें या खा डाला, ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, शेर ने हिरन को खा डाला या मार डाला, द लायन किल्ड, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे द लायन एट द डियर, तो वो चीत उसका तात्पर्य निकल नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप खा डालना ही ज्यादा उचित समझेंगे, द लायन किल्ड द डियर, ओके, कोई डाउट, नो डाउट। चपरासी घंटी बजा रहा है, सेम करेंगे बेटा, चपरासी घंटी बजा रहा है ये तो सबसे सिंपल हो गया, रहा है रही है, इसमें शायद किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी, चपरासी की तो क्या होती है पियोन, पीई ओ एन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तभी पियोन इज रिंगिंग द बेल, मैं सुबह से मैदान में खेल रहा हूँ ये समझने की जरूरत है, इसमें भी रहा है रही आया है, इसमें भी था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बेटा, यहाँ पर टाइम दे दिया है, तो ये जो टाइम दे दिया है, ये टाइम से आपका
दूसरे में पहुंच गया, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टाइम हमने देखा क्या है, डेफिनेट है, कंडीशंस लगना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इन द फील्ड। ओके, या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ओके, डजंट मैटर। देन आते हैं ये लास्ट सेंटेंस, शरा मेरी मदद क्यों करती है। शरा इज द नेम, ये आपका नेम है, यानी कि यही सब्जेक्ट है शरा। ठीक है, शरा कुछ नहीं, शरा इज जस्ट अ नेम ऑफ माय फ्रेंड। शरा मेरी मदद क्यों करती है, तो शरा देखो यहाँ पर क्यों आया है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, वाय, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी क्यू एम डब्ल्यू आता है तो सबसे पहले वो लिखते हैं वाय, फिर सब्जेक्ट शरा। अब देखो यहाँ पर फिर गलती हो सकती है आपसे, जैसे मुझसे हुई है गलती, मैं मान रहा हूँ ये मेरी गलती है, करेंगे कैसे ये देखो, सुधार कैसे करेंगे। हाँ, तो वाई के बाद हमने बताया था इधर के बाद सीधा हेल्पिंग ओरे पहुंचते हैं, तो वाई अब क्या लगेगा यहाँ पर, डू या डस। वाई बताइए शरा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर तो क्या लगेगा, डस। वाई डस शरा क्या आ जाएगा, हेल्प मी। वाई डस शरा हेल्प मी। ओके, गॉट इट। ये आपके 10 के 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और ट्रांसलेशन की ऐसे ही प्रैक्टिस अभी 2-3 बार और चलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस ट्रांसलेशन की चलती रहेगी, और मैं अब अगला टॉपिक आपका रहेगा जो एक्टिव पैसिव। ठीक है, वो भी बस आज या कल में स्टार्ट कर दूंगा, और उसकी जल्दी लिंक आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए इन सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जब तक क्लियर ना हो जाए, और कोई भी बुक्स आपके पास हो वहाँ से आप उसके एग्जांपल उठाइए और करिए, कोई दिक्कत आती है मुझे फ़ोटो भेजिए, मैं उसका सलूशन दूंगा या आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए बेटा, थैंक यू।